नहीं किसी से भीख मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम चिटकोहरा गोलंबर पर हैं। ये लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं। ये लोग स्टेट मेरे 2019 के अभ्यर्थी हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्यों राजभवन मार्च कर रहे हैं, क्यों राजभवन मार्च कर रहे हैं? जी, हम लोग राजभवन मार्च इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पहले तो स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी हैं जो 3 सालों से सड़क पर भटक रहे हैं। आज हमें उम्मीद इसलिए है क्योंकि आज सरकार जो है कि सत्ता में जो आई है पार्टियां मिलकर गठबंधन में, ये तेजस्वी जी ये वादा किए थे कि हम आएंगे तो पहली कलम से 30,675 मेरिट का अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। तो ये वादा भी याद कराने के लिए, उनका जो वादा याद कराने के लिए हम लोग आए हैं। और दूसरा, राजभवन जा करके हम लोग राज्यपाल को अपना विज्ञापन सौंपेंगे और उनको बताएंगे कि हम लोग की नियुक्ति तुरंत कीजिए, तुरंत सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यालय शिक्षक विहीन है, बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग सड़क पे भटक रहे हैं शिक्षक, तो आप नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए, हम लोग जाकर के बिहार का भविष्य को उज्जवल बनाए, इसी उम्मीद और कामना के साथ आज हम लोग राजभवन मार्च करने हैं। राजभवन मार्च करने वाले हैं आप लोग, आज रक्षाबंधन है और घर नहीं गए क्या? देखिए, हम स्टेट कैंडिडेट नहीं है। पहला बात है कि हम अभिभावक बनकर आए हुए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और अपने बच्चे को दुर्दशा दे करके, अपने गांव के बच्चों के दुर्दशा दे करके आज हमको रहा नहीं गया कि पावन पवित्र त्यौहार को हम छोड़ते हुए आ करके आज कलाई में राखी बनवा रहे हैं अपने स्टेट बंधुओं के साथ। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई, इस सरकारी स्कूल की दुर्दशा को सुधारने के लिए जो गरीब दबके के बच्चे हैं उनके शिक्षा में उत्थान हो, इसके लिए मेरिटधारियों जो छात्र हैं उनको जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाए ताकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही ढंग से चल सके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोषित होते हैं तो गरीब दबके के लोग होते हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले हो तो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाते ही हैं, उनका क्या है? लेकिन आज अभिभावक बन करके आज हमसे रहा नहीं गया और आज ऐसे त्योहारों को छोड़ करके आज हमको, आज मेरिटधारी बंधुओं के साथ, आज अभिभावक बन करके आ करके आज इन लोगों के साथ इन लोगों का मनोबल को बढ़ाने के लिए, हाँ, समर्थन कर रहे हैं स्टेट मेरिट। सर, हम लोग का मांग है कि पहले मेरिट वाले का नियुक्ति सुनिश्चित करें, उसके बाद सरकार को जो करना है वो करे। आज हम लोग को बहन से राखी बंधवाना था तो हम लोग भाई से राखी बंधवा रहे हैं, इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है सर हम मेरिट वालों के लिए। क्या लग रहा है कि आप लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं, प्रशासन जाने देगी? और बात रही आपकी, आज पूर्णिमा है और राखी बनवाने की, तो भाई से राखी क्यों नहीं बनवा रहे? तो बहन से कहाँ जा पाते, यहाँ पे रोजगार के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, घर जाते कैसे हो पाता सर? इसलिए हम लोग यहाँ, पहले नौकरी जरूरी है तो हम लोग यहाँ पे हैं सर, ये भाई से राखी बंधवा का आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए पहले मेरिट वालों की। नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, और देखिए राजभवन जो मार्च जो निकालने वाला है, और राजभवन मार्च निकालने वाला, देखिए सीधे तौर पर यहाँ पे जो राजभवन की बैनर है, राजभवन मार्च, स्टेट मेरिट 2019 की अभ्यर्थी है। आप लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं? जी सर, राजभवन मार्च इसलिए करने जा रहे हैं कि क्योंकि सर तेजस्वी यादव ने बोला था कुछ दिन पहले, मतलब कि जब सरकार में नहीं थी, कि आप लोग मेरिट के अभ्यर्थी तो सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? तब तो तेजस्वी सरकार का मतलब कि आ गया, सरकार आ गया, अब उनसे पूछने जा रहे हैं कि अब तो आप सरकार में आ गए तो हम लोगों मेरिट अभ्यर्थी को कम से कम नौकरी दीजिए, कहे कि 2 साल से हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं। ये लोग मेरिट अभ्यर्थी थे नौकरी पाने के लिए, आप लोग हाँ राजभवन मार्च हम लोग करने जा रहे हैं। सरकार को इतना दिन से समझाते बुझाते थक गए हैं, अब हम लोग राज्यपाल को मिल करके ज्ञापन सौंपेंगे। खासतौर पर देखिए, और स्टेट मेरिट अभी यहाँ से निकल चुके हैं और ये लोग अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये लोग का जो मांग है कि हम यहाँ पे मेरिट अभ्यर्थी के जो तस्वीरें है, देखिए राजभवन मार्च निकाल रहे हैं और यहाँ से ये तस्वीरें हैं जो रिपब्लिकन दिखा रहा। और देखिए रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।